बैंक पे ध्यान देना चाहिए, दो सरकारी और दो प्राइवेट। बढ़िया, लार्ज ट्रेड से आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा डिफेंसिव पे जा रहा हूँ खबरों के साथ, तड़के के साथ। तो दो फार्मा कंपनीज, पहला नैटको फार्मा को स्क्रीन पर लेकर आइएगा और इसका साल का चार्ट भी खोल दीजिएगा साथ में। पिटा हुआ स्टॉक, अब वॉल्यूम प्राइस एक्शन कुछ पिकअप होता हुआ, शार्प वॉलेटिलिटी ये स्टॉक इस समय झेल रहा है तगड़े डाउन ट्रेंड के बाद। कल अपडेट आया कि इसको CTPR, अब उसके फुल फॉर्म में जाके अच्छा है कि ये नाम बेटर है, CTPR को अप्रूवल मिला है। CTPR बेसिकली इंसेक्टिसाइड है जो कई सारी फसलों क्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है, 2000 करोड़ रुपए प्लस का कहा जाता है एस्टिमेटेड इस देश के अंदर मार्केट साइज है, और इसको लॉन्च का अप्रूवल मिला है। और ये असल में फंसा हुआ मामला था, ऐसा नहीं कि नई प्रोडक्ट है और जिसको लॉन्च का अप्रूवल मिला हो, ये दिल्ली हाई कोर्ट से इनको नॉट मिला है। कोर्ट में मामला क्यों गया था, क्योंकि ये एक लीगल बैटल में थे कैलिफोर्निया बेस्ड एक एग्री साइंसेस कंपनी है FMC उसके साथ, इसी CTPR को लेकर। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको मंजूरी दे दी है भाई इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अच्छी खबर। नैटको फार्मा पिटा हुआ स्टॉक, होपिंग थोड़ा सा ग्रीन शेड्स नजर आने चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर ये दूसरा स्टॉक है, इसकी तो बहुत खबरें आ रही हैं बीच बीच में, लेकिन ये स्टॉक चल के नहीं दे रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, एक रैंक अंडर परफॉर्मर बना हुआ है। बीच में खबर आई थी कुछ लॉन्च या मंजूरी की, आपको याद होगा स्टॉक चला था, वापस फिजल आउट होके जब वो खबर आई थी उन्हीं लेवल्स पे आके वापस खड़ा हुआ है। तो एक रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, साल का चार्ट स्क्रीन पे खींच के देख दीजिए, और ये जो इसका रेंज है लोअर एंड की वहां पे आके खड़ा हुआ है, तो जरा सा मेक और ब्रेक लेवल भी हो गया उस लिहाज से। अगर दिन के दौरान ग्रीन शेड नहीं आ रहे तो बहुत दूर रहिएगा स्टॉक से, क्योंकि बहुत बीटन डाउन है, ये देखिए आपकी स्क्रीन्स पे। इसकी एक दवा को DCGI से यानी कि CDSCO से मंजूरी मिली है, एक स्प्रे है हेमोस्टैटिक स्प्रे, उसे अप्रूवल मिला है। ये प्रोडक्ट जो है हेमरेज को प्रिवेंट या रिड्यूस करने में मदद करता है, और कई सारे एक्सीडेंट डोमेस्टिक इंजरीज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रोडक्ट को नॉट मिलना डोमेस्टिक मार्केट के लिए अच्छी खबर, पिटा हुआ स्टॉक पर वॉच आउट करना है। और ये दोनों फार्मास्यूटिकल मेजर जिनकी बात करी मैंने, मेजर तो नहीं है, दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दोनों ध्यान रखिएगा रैंक अंडर परफॉर्मर्स। इरकॉन इंटरनेशनल ले आइए स्क्रीन पे, इरकॉन इंटरनेशनल वो सरकारी कंपनी, तो इसमें महानदी कोल फील्ड्स, वो कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है उससे 256 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको इरकॉन इंटरनेशनल को मिलता हुआ, सिर्फ इसीलिए इन ग्रीन लेके जाते हैं। अगले